तो हेलो यार, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो के क्वालिटी को इंक्रीज करना है या फिर बैकग्राउंड में किसी म्यूजिक को ऐड करना है, अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो वॉइस से अपनी नॉइस को रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप वहां पर टेक्स्ट एडिटिंग बड़े आसानी से कर सकते हो और अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आगे का प्रोसेस है मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाऊंगी। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यार हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को इनशॉट एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल वीडियो बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इनशॉट एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आपको उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फीचर शो होगा। जो आपको फर्स्ट में वीडियो दिख रहा है आपको इस पर टच कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। हमको किसी न्यू वीडियो को एडिट करना है इसलिए आपको कोई न्यू वीडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो को ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी एक वीडियो को ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहला हमारा यही काम रहता है, अगर हम किसी यूट्यूब की वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसी के साइज को चेंज करना होता है और हम यहाँ से उसके साइज को चेंज कर रहे हैं। हमें यूट्यूब का साइज चाहिए इसलिए हम 16:9 रखेंगे। अगर आपको किसी शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है तो हम 9:16 या फिर 1:1 रख सकते हो। मुझे यहाँ यूट्यूब का साइज चाहिए, मैं लॉन्ग वीडियो को एडिट कर रही हूँ इसलिए मैं 16:9 ही आपको रख के दिखा रही हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो को सीधा कर लेंगे। जब भी हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं हमेशा हमारी वीडियो रोटेट नहीं रहती, इसलिए हम अपनी इस वीडियो को रोटेट कर लेंगे और उससे सीधा कर लेंगे। मैं आपको सारा स्टेप बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड में स्टिकर कैसे लगाओगे, सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सिंपली अगर आपको इस वीडियो में वॉइस ओवर करना है तो किस तरीके से वॉइस ओवर करोगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आपको ये म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यूजिक इफेक्ट और रिकॉर्ड दिख रहा होगा। अगर आप म्यूजिक में जाते हो तो आप यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड में, या फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास कोई म्यूजिक अवेलेबल है तो आप माई म्यूजिक से भी उस म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। अगर आप यहाँ से इफेक्ट में कुछ म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और उसे इफेक्ट भी दे सकते हो। उसके बाद हम रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो आपको अगर वॉइस ओवर करना है तो आप यहाँ से वॉइस ओवर भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्टिकर। अगर आप यहाँ स्टिकर को यूज करना चाहते हो, आपको दिख रहे होंगे इतने सारे स्टिकर, अगर आप यहाँ से स्टिकर का यूज करना चाहते हो या फिर किसी एनिमेशन का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो आपको GIF वाला ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ से एनिमेशन का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में और टेक्स्ट के बारे में। अगर आपको अपनी वीडियो में कुछ टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख के दिखा रही हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी न्यू टेक्स्ट। उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को एनिमेशन देना है, इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड को चेंज करना है, बॉर्डर को चेंज करना है, तो आप इस तरीके से बड़े ही आसानी से कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ही परफेक्ट दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। फिल्टर क्या होता है? अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत डलनेस है, तो आप यहाँ से वीडियो क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी वीडियो के अंदर इफेक्ट देना है, जैसे कि स्लो जूम, अगर आपको अपनी वीडियो को जूम करना है बीच बीच में जैसे कि, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्ट्स के बारे में। अगर आपको अपनी वीडियो के ब्राइटनेस को, डलनेस को कम ज़्यादा करना है, यहाँ से कलर फिल्टर को चेंज करना है, तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो और अपनी वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज कर सकते हो। उसके बाद हम फिल्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी वीडियो के फिल्टर को चेंज करते रहना है, तो आप यहाँ से फिल्टर भी चेंज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना बड़े ही आसानी से इनशॉर्ट से सीख सकते हो। उसके बाद अगर हमें अपनी वीडियो में वीडियो क्लिप का यूज़ करना है, किसी वीडियो को एडिट करके बताना है कि इस वीडियो में क्या होता है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको ये PIP वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ से टेस्ट कर लेना है। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपने किसी वीडियो को डाउनलोड करके रखा है, किसी वीडियो को कैमरा से रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो को ले सकते हो और आपको यहाँ पर वो वीडियो शो होने लगेंगी। बाद हम बात करेंगे स्लिप्ट के बारे में। स्लिप्ट क्या होता है? अगर आपको अपनी वीडियो के किसी बीच में से कोई पार्ट को कट करना है, आपने कुछ अटक के बोल दिया या फिर आपका जो वो वीडियो का पार्ट है वो रॉन्ग हो गया है, तो सिंपली आप यहाँ से वो स्लिप्ट करके उस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। अगर आप अपनी वीडियो में कई बार क्या होता है हम स्लो बोल देते और कई बार क्या होता है हम फास्ट बोल देते, तो हमें उस वॉल्यूम को कम या फिर ज़्यादा करना होता है, तो आप यहाँ से बड़े ही आसानी से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद बात करेंगे हम बैकग्राउंड के बारे में। देखो कई बार क्या होता है हमारे ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, लाइट बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता, तो हम यहाँ से बड़े ही आसानी से बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से ब्लर बैकग्राउंड करना है, कुछ भी करना है, आपको कलर देना है, मैं आपको देख ही दिखा दे रही हूँ एक बार, कलर कुछ इस तरीके से चेंज करते जाना है, तो आप बड़े ही आसानी से ये काम भी कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्पीड के बारे में। क्या होता है कई बार हम अपनी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल देते हैं और हमारे ऑडियंस को वो समझ नहीं आता, जिसके वजह से हमारी वीडियो को वो लोग स्किप कर देते हैं, तो हम यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पीड से बोला है तो हम उसे कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बोला है, कम स्पीड से बोला है, तो हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और हमारी ऑडियंस को आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी वीडियो के अंदर एनिमेशन का यूज़ करना है, बहुत लोग एनिमेशन का यूज़ करते हैं और हमारी वीडियो अच्छी शो होती है, खास करके हम शॉर्ट वीडियो में एनिमेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो को क्रॉप करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना है, तो आप कर सकते हो वॉइस में कुछ इफेक्ट यूज़ करना है। वॉइस में जैसे कि कोई माइक वाली आवाज़ है, कोई साउंड वाली आवाज़ है, जैसे कि कोई गर्ल्स की आवाज़ आती है, कोई बॉयज़ की आवाज़ आती है, तो आप इस तरीके से वॉइस में भी इफेक्ट डाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, यही वीडियो को आपको और वीडियो चाहिए, जैसे कि इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, फिर से इस वीडियो को लेना होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट करते हो, तो ये वीडियो आपको फिर से मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम आखिरी सबसे लास्ट ऑप्शन है फ्रीज। अगर आपको अपनी वीडियो को फ्रीज करना है, फ्रीज का मतलब होता है जैसे कि मैंने इस वीडियो को यहाँ पर फ्रीज कर दिया, तो जो आपका बीच का पार्ट है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब होता है कि वो वीडियो आपकी चलेगी नहीं, रुक जाएगी, और फ्रीज के बाद जो वीडियो को आपको ओपन करना है वही वीडियो आपकी यहाँ पर चलने लगेंगी। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को इनशॉर्ट से एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। अब मैं पार्ट टू में बताऊंगी आपको कि आप वॉइस ओवर कैसे कर सकते हो, वॉइस में कैसे इफेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई मोटिवेशन स्पीकर रहता है, उसे अपनी वॉइस ओवर थोड़ी अच्छी स्ट्रांग करनी होती है। कोई अगर नॉर्मल वॉइस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, टेक्स्ट एडिटिंग कैसे कर सकता है अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए, तो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगी। तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम अपनी वीडियो को सेव करते, तो यहां पर आपको 1080p में दिख रहा होगा रिजोल्यूशन, उसके बाद आपको 720 में दिख रहा होगा। तो हमेशा आपको अपनी वीडियो को 720 में ही सेव करना है, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आए और आपका वीडियो एक प्रोफेशनल तरीके से शो हो। तो आई होप कि आपको इनशॉर्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा।